बात रखेंगे, मिश्रा जी कुछ लेकर आए, मिश्रा जी कुछ लेकर आए, एक मिनट मिश्रा जी अपनी बात रखेंगे, फिर उसके बाद आ रहा हूँ प्रदीप जी आपके पास। जो मेरे मित्र बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई जनता ने जो सम्मान दिया है, जो अधिकार दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए, जो मैंडेट दिया है पब्लिक ने। बात बिल्कुल सही कर रहे हैं और मैं सहमत हूँ। जनता ने तो अपना काम वोटिंग डे के दिन करके दे दिया कि भाई हमने आपको ये दिया। अब इसके आगे की जिम्मेदारी श्रीवास्तव जी की है, मतलब आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की, कि भाई अब वो उस सम्मान की रक्षा करें, क्योंकि डोली के रखवाले वो बने हुए हैं। ऐसा ना हो कि उन्हीं के लोग छोड़ करके जो है चले जाएं। तो अब जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है, कि वो अपने विधायकों को इस तरीके, अपने जो है चुने हुए सदस्यों को, पार्षदों को ऐसे रखें कि जनता के सम्मान की रक्षा हो सके। अगर इनके तरफ से कोई छोड़ के चला गया, किसी भी कारण से चला गया, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ, तो ये सैल्यूट उस पार्टी का होगा कि उसने जनता का सम्मान सुरक्षित नहीं रखा, मतदान का सम्मान सुरक्षित नहीं रखा। मानते खान साहब जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं। कुछ भाजपा के नेताओं ने अपनी हार को बड़ा हृदय दिखाते हुए स्वीकार कर लिया है कि हाँ हम हार चुके हैं। अब अगर वो हार चुके हैं तो जाहिर सी बात है हम जीते हैं और हम सरकार बनाएंगे। चर्चा से भटक रहे, एक मिनट एक मिश्रा जी फिर खान साहब आपके पास आ रहे हैं। आप भगदड़ को देखिए, अब क्या कर रहे हैं, बहुत ऊंची बात बोली है। मैं श्रीवास्तव जी की तारीफ करता हूँ। एक मिनट मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं। श्रीवास्तव जी की मैं बड़ी तारीफ करता हूँ, एक बड़ी ऊंची, बड़ी आदर्श वाली बात बोली है कि भाई कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये मान लिया है कि हम हार गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक मामले में बड़ा फैन हूँ, उनके जैसा बड़ा दिल किसी का नहीं है भाई। उनके दो दो तीन तीन मंत्री जेल में है, ठीक है, फैसला हुआ या नहीं हुआ बात दूसरी है, लेकिन ईमानदारी से वो भी बड़ा दिल दिखाते हुए मान ले, लेकिन वो तो बोल रहे हैं हम तो जी कट्टर ईमानदार हैं। बड़ा अरे साहब, कहाँ दो दो तीन तीन मंत्री जेल में है। नहीं कम से कम ऐसे ऐसे दो तीन मंत्री कहाँ जेल में है। मिश्रा जी कट्टर ईमानदार मंत्री जेल में है, कट्टर ईमानदार मंत्री जेल में है। आप भी दिखाइए, अरविंद केजरीवाल जी से ज्यादा बड़ा दिल किसी का नहीं है। देखिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ले सकते हैं, मैं तो इस मामले में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अरविंद केजरीवाल जी की, जो भरी सभा में भारतीय राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने बच्चों तक को जो है उन्होंने देश के कल्याण के लिए दांव पे लगा दिया। बड़ा दिल दिखाए और बोले कि हाँ भाई हमारे मंत्री जेल में है, बोल देना कि हमारे, बड़ा दिल दिखाते हुए मान लें कि हमारे मंत्री जेल में है, इसलिए है कि उनके ऊपर ये आरोप लगा है। मैं उनको दोषी नहीं बोल रहा हूँ, तो कम से कम ये तो बोलना छोड़े कि हाँ भाई हम कट्टर ईमानदार। जल्दी से रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। अरे आरोप का सबूत अदालत बार बार मांग रही है, अदालत में तो सबूत क्यों नहीं पेश किए जा रहे हैं, तो जमानत खराब की भारी हवा हवाई करने के काम नहीं करता है। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि बड़ा दिल दिखाते हैं। अरे भाई आप ये बताएं, जब अदालत सबूत मांग रही है तो आप सबूत नहीं दिखा रहे हैं, जब अदालत ये कह रही है कि भाई जब उसके खिलाफ सबूत लाओगे तभी तो हम कोई फैसला करेंगे, आप तारीख से तारीख तारीख से तारीख। ओके एक मिनट होंगे कि नहीं, मेरी कामना है प्रभु से सब। एक मिनट। वैसे मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कोई मंत्री इतने लंबे समय तक जेल में है लेकिन उसका मंत्री पद बना हुआ है।